रीवा की लड़की भारत पाकिस्तान सीमा के अटारी बॉर्डर पर पकड़ी गई। पाकिस्तान जाने के लिए निकली थी घर से। रीवा के सिटी कोतवाली पुलिस लड़की को लेकर वापस लौट रही है। रीवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस किया था जारी, यह जानकारी दी रीवा पुलिस अधीक्षक ने। रीवा की एक लड़की भारत पाकिस्तान सीमा के अटारी बॉर्डर में पकड़ी गई। पाकिस्तान जाने के लिए निकली थी रीवा में अपने घर से। रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस लड़की को लेकर वापस लौट रही है। रीवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। रीवा की लड़की पहुंच गई अटारी बॉर्डर। पाकिस्तान जाने के लिए लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज रीवा की सिटी कोतवाली में। लड़की रीवा से भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाने के लिए निकली थी, जहां पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का पासपोर्ट बगैर माता पिता की जानकारी के भोपाल से बना था। लड़की के गायब होने के बाद जब उनके माता पिता के पास विदेशी नंबर से फोन आया तो इस बात की जानकारी लड़की के परिजनों ने तत्काल ही पुलिस को दी। पुलिस में जांच में यह नंबर पाकिस्तान का पाया। रीवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया, जिसके चलते सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई। पंजाब पुलिस ने लड़की को अटारी बॉर्डर से पकड़ लिया। रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस अब लड़की को लेकर वापस लौट रही है। रीवा के सिटी कोतवाली का तरहटी मोहल्ला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। यहाँ की एक लड़की अपने पाकिस्तानी प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जाते समय पकड़ी गई। उसे अमृतसर की अटारी बॉर्डर में पंजाबी पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास पासपोर्ट और वीजा भी मिला है। मिली जानकारी के अनुसार लड़की ने कंप्यूटर साइंस से बीएससी करने के बाद भोकर के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षा की नौकरी हासिल की। परिवार वालों के मुताबिक लड़की घर की बहुत ही होशियार लड़की है। लड़की की पहचान उसकी पढ़ाई लिखाई और होशियार लड़की के रूप में पूरे मोहल्ले में बनी हुई है। इस मामले के सामने आने के बाद फिलहाल तो लड़की के परिजन कुछ बोलने को तैयार नहीं। वह बेटी के आने के बाद ही कुछ बात करने की बात कर रही है। जानकारी के मुताबिक लड़की ने 3 महीने पहले मार्च में पासपोर्ट बनवा लिया था, जिसकी कानों कान खबर परिजनों को नहीं हुई। पासपोर्ट उसे भोपाल से जारी हुआ था। लड़की 14 जून को घर से भागी थी। इसके बाद 22 जून को ही 90 दिन की कराची के लिए उसके पासपोर्ट पर वीजा भी जारी हुआ। अभी यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। कहा जा सकता है जिस तरीके से लड़की ने रीवा की जगह भोपाल से अपना पासपोर्ट बनवाया, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें रही होंगी। हालांकि यह तो लड़की के आने के बाद ही तय होगा, पूछताछ में निकल कर आएगा उसने ऐसा क्यों। लेकिन लड़की का भोपाल से पासपोर्ट जारी होना, पाकिस्तान के कराची के लिए 90 दिन का वीजा जारी होना अपने आप में कई सवाल जन्म देता है। कहा जा सकता है या विश्वस्त सूत्र हमें बता रहे हैं कि लड़की की फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से किसी पाकिस्तानी लड़के से दोस्ती हो गई थी। वह उसी से मिलने कराची जा रही थी। इस दौरान जब वह घर से भागी, तत्काल ही परिजनों ने इसकी शिकायत रीवा के सिटी कोतवाली में दी। सिटी कोतवाली को ने तफ्तीश की। मामले की जानकारी जैसे ही मिली उसने इस बात की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। उच्च अधिकारियों को जैसे ही पासपोर्ट वीजा के साथ घर वालों के पास पाकिस्तानी नंबर से फोन आने की जानकारी हुई, वो सचेत हो गए। तत्काल ही उन्होंने ऊपर अपने अधिकारियों को जानकारी दी। लड़की के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया और उसको पंजाब के अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार करके अब रीवा लाया जा रहा है। इस बारे में हमने रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से बात की, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। 14 तारीख को रीवा से एक लड़की चली गई थी। उनके माता पिता ने आके जब थाने में शिकायत दर्ज कराई तो उसकी जांच के दौरान कुछ जानकारियाँ ऐसी प्राप्त हुई तो उन्होंने बताया कि हमें कुछ नंबर से कॉल आ रहे हैं, नंबर संभवतः भारत से बाहर के हैं। चेक किया गया तो पाकिस्तान का नंबर निकला। उसके पश्चात उन लोगों की शंका के आधार पर और जो जानकारियाँ उठाई गई तो पासपोर्ट बनने की जानकारी भी निकल कर आई, जो कि माता पिता की जानकारी के बिना बनाया गया था। इस प्रकरण को देखते हुए तत्काल हम लोगों ने जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया उसके आधार पर अटारी बॉर्डर पर लड़की को ट्रेस कर लिया गया। और जब हमको सूचना मिली हमने पंजाब पुलिस से कॉर्डिनेट किया और हमारी टीम यहाँ से भेजी और आज हमारी टीम जो है लड़की को लेकर वापस आ जाएगी। और आने के पश्चात ही इस बारे में अग्रिम जांच जो होगी और जो भी डेवलपमेंट होंगे हम आप लोगों से शेयर करेंगे। हाँ जी,
बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाने का उनका तैयारी थी अटारी बॉर्डर से, उसके पहले ही उस लेटर के आधार पर जो कार्रवाई हुई है और वो हमारी टीम के साथ में है, आने के पश्चात और जो डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे।